आप भगवान धन्वंतरी का पूजन कैसे करें? देखो, भगवान धन्वंतरी का पूजन अगर करना है तो चित्रपट मिलता है, और अगर कुछ नहीं है तो आप नारायण का, चतुर्भुजी नारायण का स्वरूप का पूजन भी भगवान धन्वंतरी के रूप में कर सकते हैं। और अगर आप उस पूजन को मुहूर्तानुसार करते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका मुहूर्त बहुत ज़्यादा होता है। पीतल का जो बर्तन है, आपको बता दूं तो अक्षय पात्र है, अक्षय पात्र जिसकी चर्चा आती है महाभारत में भी, आप लोग जानते होंगे। तो महाभारत में भी भगवान ने जो द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था वो अक्षय पात्र भी पीतल का था, जिसमें कभी भी अन्न घटता नहीं था, निरंतर बढ़ता था। इस बात को हमें जानना चाहिए। जो धनतेरस का दिन होता है उसी दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। एक तो वो दिन, तो वो जो दिन है उस दिन को भगवान धन्वंतरी का दिन भी कहा जाता है। इस दिन अगर आप स्वर्ण, रजत, कांस, स्टील, जो भी हो, ऐसी मान्यता है कि इस दिन आपके घर में एक नई चीज खरीदकर जरूर आनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको करना ही चाहिए, इसलिए क्योंकि जितना हम ऊर्जा के सिद्धांत पे इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, तो ऊर्जा का सिद्धांत भी ये कहता है कि जिस दिन ऊर्जा प्रबल है तो क्यों ना उस दिन का हम लाभ उठाएं, और उठाना भी चाहिए। तो आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखें कि अगर आप चाहें तो धनतेरस के दिन चाहे चांदी का सिक्का, चाहे कोई बर्तन, चाहे कोई ज्वेलरी, जो आपकी इच्छा हो आप जरूर खरीदें। बर्तन खरीदें, दीपक खरीद लिए, जिसके यहाँ अखंड ज्योत का दीपक ना हो वो खरीद लें। तो मुझे कहने की बहुत ज़्यादा भी इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग तो बहुत समझदार हैं और आपको मालूम है कि कौन कौन सी चीज़ें खरीदी जाती हैं, और आप खरीदते ही आ रहे हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं कि मैं आपको, लेकिन हाँ, मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो तात्पर्य यही है कि आप अगर इस कार्य को अच्छे से करते हैं तो बड़ा आनंद होगा। धनतेरस के दिन सबसे पवित्र मानी जाने वाली अगर धातु कोई है तो वो पीतल है। धनतेरस के दिन सबसे पवित्र जानने वाली, सबसे पवित्र बोलने वाली, सबसे पवित्र कहलाने वाली धातु का नाम पीतल है, जो भगवान धन्वंतरी को भी बहुत 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 प्रसन्न करती है। और इसकी बड़ी आनंदमयी उपस्थिति उन्हें पसंद आती है।